भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर 6 फरवरी को इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। वो करीब 27 दिनों तक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। अपने अंतिम समय पर वेंटिलेटर पर लेटे हुए लता ने ऐसी डिमांड कर दी कि सुनकर सबके होश उड़ गए। लता वेंटिलेटर पर अचानक ईयरफोन की जिद करने लगी। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने बताया, लता दीदी अंतिम दिनों में पिता दीनानाथ मंगेशकर को याद कर रही थी, जो एक नाट्य गायक थे। वो पिताजी की रिकॉर्डिंग्स मंगवाकर उन्हें सुन रही थी और उसे गाने की कोशिश भी करती थी। मौत से 2 दिन पहले उन्होंने अस्पताल में ईयरफोन मंगवाए थे। उन्हें मास्क हटाने के लिए मना किया गया था, फिर भी वो मास्क हटाकर गाती थी। लता मंगेशकर अपने पिता का बहुत सम्मान करती थी, वो उन्हें अपना गुरु मानती थी। लेकिन जब लता सिर्फ 13 साल की थी, तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। लेकिन लता ने हमेशा अपने पिता की यादों को सहेज कर रखा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लता कभी भी अपने गाए हुए गाने को नहीं सुना करती थी, क्योंकि वो जब भी अपने गाने सुनती तो उनमें अपनी गलती पकड़ लेती। इस गलती को पकड़कर वो दुखी हो जाती थी। वो कहती थी कि बड़े बड़े संगीतकार उनके गाने को सुनेंगे और उसमें कमियां निकलेंगी तो जाने वो लोग क्या सोचेंगे। हालांकि अब लता दीदी के जाने के बाद बस उनके गाए हुए गाने और कुछ खट्टी मीठी यादें रह गई हैं।